सभी को मेरा प्रणाम। आज का टॉपिक है माइग्रेन। माइग्रेन का पेन ये आधे सर में होता है, सिर के या तो राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा, आगे होगा या पीछे होगा, इसे ही हम माइग्रेन कहते हैं। जो पूरे सर में हो वो सामान्य पेन होता है। माइग्रेन का पेन बहुत खतरनाक होता है, हथौड़े जैसी चोट सर में फील करता है। जिसको होता है इसका दर्द वही समझ सकता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जिनको दाएं साइड राइट साइड जिनको पेन होता है उनके लिए मैं उपचार बताऊंगा, जिनको लेफ्ट साइड होता है उनके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आप उसको देखें। तो राइट साइड जिनको पेन होता है वो क्या करें, सबसे पहले तो आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, अपने प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे अपने राइट हैंड से, इस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड फिंगर को अंगूठे के बेस में टच करेंगे, राइट नोस्टल को बंद करें, लेफ्ट से श्वास को धीरे धीरे अंदर लें, श्वास को अंदर ही रोकें, जालंधर बंद और मूल बंद, जालंधर बंद गर्दन को नीचे झुकाना और मूलबंध अपने एनस भाग को मूत्र इंद्रिय को ऊपर की ओर संकुचित करना, ये दोनों बंद इसमें लगाएं, श्वास को फील करो अंदर ही, फिर बंद हटाएं और राइट नोस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दो। राइट से श्वास लो, श्वास को अंदर ही रोको, बंद हटाओ, लेफ्ट से बाहर छोड़ दो, इस प्रकार से। ये एक चक्र नाड़ी शोधन का हुआ। हमारी जो इंडा और पिंगला दोनों नाड़ियों को परिशुद्ध करना होगा हमें। माइग्रेन के पेन से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने नाड़ियों को परिशुद्ध करना होगा, नाड़ी शोधन करना होगा। तो ऐसे कम से कम सात चक्र आपको करने हैं। लेफ्ट से लेकर रोकना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, रोकना बंद लगाते हुए, फिर लेफ्ट से बाहर छोड़ देना, ये एक चक्र पूरा होता है। तो मिनिमम सात चक्र, धीरे धीरे सब उसको बढ़ाते जाएं, आप 11-21 बार तक करें। जिनको बहुत अधिक पुराना माइग्रेन का पेन है तो 11-21 बार तक नाड़ी शोधन का अभ्यास करें। दूसरा आपको करना है चंद्रभेदी प्राणायाम। जिनको राइट साइड, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, पहले अपने माइग्रेन पेन को जज करें कि आपको राइट साइड होता है या लेफ्ट साइड होता है। तो राइट साइड वालों के लिए आज इस वीडियो में उपचार बताया जा रहा है। आपको अपने राइट हैंड के अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है, प्राणायाम मुद्रा बनाते हुए राइट हैंड से लेफ्ट से श्वास को लेना है धीरे धीरे, श्वास को लिया, लेफ्ट नोस्ट्रिल से बंद लगाया, इसकी शीतलता को महसूस करो। जब हम लेफ्ट से श्वास लेते हैं तो बॉडी में हमारी शीतलता आने लगती है, फिर बंद हटाते हुए राइट से श्वास को बाहर छोड़ना, वापस फिर से लेफ्ट से श्वास लेना है, श्वास को रोकना है, शीतलता का अनुभव करना है अपने शरीर में, बंद लगाते हुए फिर बंद हटाएं और राइट से श्वास को छोड़ दें। चंद्रभेदी ये कम से कम आपको 7 मिनट करना है, 7 मिनट। तो नाड़ी शोधन के 7 चक्र कम से कम और चंद्रभेदी प्राणायाम का 7 मिनट का अभ्यास, ये दो आपको प्राणायाम के अभ्यास करने हैं माइग्रेन के पेन में, यदि राइट साइड आपको पेन होता है। दूसरा आपको करना है अपने नासिका छिद्रों में गाय का घी डालना है, शुद्ध देसी गाय का घी, 4 से 5 बूंद दोनों नाकों में आप डालकर उसको अंदर की तरफ इनहेल करें और उसे फील करो। गाय का घी 5 मिनट में आपके बढ़े हुए पेन को शांत कर देता है। घर में आपके आइस है, तीसरा आपको क्या करना है, आइस की पोटली बनाएं और पूरे सर को सेकें आप, राइट साइड विशेष तौर पर जहां जहां पेन आप फील करें वहां सेकें, गर्दन को सिकाई करें बर्फ से, आइस से सिकाई करनी है आपको, और हल्के हल्के हाथ से मसाज करें, सेकते रहें, मसाज करते रहें। तीसरा आपको ये करना है,
अब चौथा, आपको औषधि क्या लेनी है माइग्रेन के पेन को ठीक करने के लिए। आपके किचन में धनिया, साबुत धनिया 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, ये 1-1 चम्मच जो छोटा चम्मच है वो आप लें, और 1/2 चम्मच मुलहटी आप इसमें डालें। इसको रात के समय आप पानी में भिगा दें, सुबह खाली पेट इसका छान कर सेवन करना है आपको। प्रतिदिन करें कम से कम 1 महीना, तो आप योग के साथ साथ इन औषधियों का प्रयोग करेंगे, इन उपचारों को करेंगे जो मैंने आपको बताएं, तो निश्चित रूप से आपको माइग्रेन की पेन की समस्या में समाधान मिलेगा। और कितना भी पुराना माइग्रेन हो आपका, वो माइग्रेन से आप मुक्ति पाएंगे। इसमें दवाइयां आप कितनी भी खाते रहें उपचार नहीं होता, और जब तक आप इसके कारण को दूर नहीं करेंगे, कारण में अगर आप देखते हैं तो माइग्रेन पेन रात के समय जब आप लेट नाइट भोजन करते हैं तो आपको माइग्रेन पेन एग्रीवेट हो जाता है। अगले दिन आपको पेन की सेंसेशन शुरू हो जाती है, और एक बार यदि माइग्रेन पेन हो जाए तो 3 दिन तक आपको ये परेशान रखता है। तो माइग्रेन पेन में आप रात के समय समय से टाइम से भोजन कर लें, सुबह जल्दी उठें, रात को समय से सोएं, और मोबाइल टीवी स्क्रीन से दूर रहें। सोने से कम 1 घंटा पहले आप मोबाइल टीवी वगैरह सब आप छोड़ दें। शांत चित्त से मन को एकाग्र करते हुए, श्वासों के ऊपर ध्यान लगाते हुए आप निद्रा की स्थिति में जाएं। तो इन सब बातों को आप फॉलो करेंगे तो आप माइग्रेन पेन को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। और दूसरी वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे जिनको लेफ्ट साइड पेन होता है वो क्या करें। तो लेफ्ट साइड पेन वाले हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।